और उधर भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। दरअसल ये क्षण, ये पल सभी के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का खास कार्यक्रम होगा। इधर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भगवान श्री राम से जुड़े तमाम भजनों को लोग सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं, जिन्हें खूब सराहा भी जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम और अयोध्या पर बने भजन श्री राम घर आए के लिए सिंगर और गायिका गीता रबारी की तारीफ की है, उनकी सराहना की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भजन की सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। देश भर में मेरे परिवार के सदस्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए गीताबेन रबारी जी का ये भजन बेहद भावुक कर देने वाला है। और इसी कड़ी में हमारे साथ खुद गायिका जी जुड़ चुकी हैं, गीताबेन रबारी जी। बहुत स्वागत है गीताबेन रबारी जी आपका। लेकिन देखिए, शुरुआत मैं चाहती आपके भजनों से करना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद व्यक्तिगत तौर पर आपके इस भजन की तारीफ करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो क्या मन में सबसे पहला विचार आता है, किस तरीके से आप सोचती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने मेरा ये प्यारा सा भजन ट्वीट किया। और मेरे लिए गौरव की बात है कि उनके जरिए मेरा ये भजन जितने भी सनातन ये सब तक पहुंचा। और मोदी जी का तो बचपन से मुझ पर आशीर्वाद रहा है। जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब मैंने उनको अपना कीर्तन सुनाया था और उन्होंने मुझे 250 रुपये भी दिए थे। उनके बाद 2019 में मुझे दिल्ली बुलाया गया मेरे परिवार संग, हमारे कच्छ के एमपी है विनोद भाई चावड़ा जी, उनके संग। तो मोदी जी का मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा और इस क्षण पूरे भारत में रामलला के दरबार में वापसी अपने क्या जो उत्सव मनाया जा रहा है 22 जनवरी को, तो हम जितने भी सनातनी हमारे लिए गौरव की बात है। तो इसलिए हमने ये गाना रिलीज किया, हमारे जितने भी लोग है सबके दिलों की ये बात है और मोदी जी को ये अच्छा लगा, उन्होंने अपने ट्वीट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गीता बीन, फिर हो जाए वो 2 लाइनें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि देखिए, हम सब घर अपने सजाएंगे, पूरा भारत फिर से जगमगेगा, दूसरी दिवाली मनाएंगे हम, तो सारे सनातनों की दिल की आवाज है। अवध पधारो अवध पति, रघुबीर राम हमारे, राम राज का शंख बजा है अब फिर सरयू किनारे। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। आज फूल बिछाओ सारी बगिया के, अयोध्या में उत्सव छाए। थैंक यू, जय श्री राम। बहुत खूब। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात हो जाती है कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, क्योंकि लगातार आप भजन गाती हैं, भजन संध्या भी आप खूब गाती हैं, और ऐसे में आपके रगों में, आपके खून में वो मिठास भी है जो महसूस मैं इन 2 लाइनों में, 4 लाइनों में कर पाई हूँ गीताबेन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आखिर वो प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, वो मोटिवेशन कहाँ से आती है, भगवान श्री राम का पूरा बखान एक भजन में करना, वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों से कनेक्ट करना, किस तरीके से होता है? देखिए, हम मैं जहां से बड़ी हुई, हमारे पूरे घर में भजन का माहौल रहा है जी। और मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की नगर से गुजरात से हूँ, तो कृष्ण के भजन तो हमने बचपन से सुने हैं और रामलला के भी हम सब घर में तो प्रार्थना करते, दिए जलाते, तो हमारी दादी नानी सब वो भजन गाते हैं। और मैं लाइव प्रोग्राम करती हूँ, डिवोशनल सिंगर हूँ, तो भगवान राम जी के बहुत में भजन गाती हूँ। तो ये जो बात है कि फिर से अयोध्या सजेगी, फिर से वो गद्दी पर विराजमान होंगे हमारे राम लला जी, तो जो वातावरण कैसा होगा, सारे सनातनियों की खुशी कैसी होगी, तो ये पूरा इस गाने में हमने वर्णन किया है। बहुत प्यारा लिखा है सुरेता जोशी ने और बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है हमारे मलिक मेहता ने, बड़े भैया ने, और उनकी जो आगे की जो पंक्तियां हैं जो जय कवि ने लिखी है, तो बहुत प्यारी लिखी है।
लेकिन रबारी जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम भगवान श्री राम का जब हम जिक्र करते हैं तो उनकी जीवन शैली, और जीवन शैली ऐसी है कि हर एक वो आम जन मानस अगर अपने जीवन में उतार ले, और भजन एक ऐसी भूमिका इंसान के व्यक्तित्व में उतारते हैं जिनको सुनकर, जिनको महसूस कर भगवान श्री राम के उस पूरे जीवन शैली को उतारा जा सकता है। तो दो लाइनें, चार लाइनें कोई ऐसे भजन की जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन शैली का बखान हो, उनके मर्यादित, उनके, क्योंकि श्री राम का मतलब ईमानदारी, श्री राम का मतलब है संघर्ष, श्री राम का मतलब है मर्यादा, उस पूरे, इन पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक भजन में अगर पिरोना चाहें तो किस तरीके से होगा? बिल्कुल बिल्कुल। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि आप बहुत बखूबी तरीके से एक एक चीज़ को पिरो भी रही है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में आप देव दीपावली के तरीके से इस जश्न को मनाइएगा, अगर आप भजन के माध्यम से या फिर कविता के किसी माध्यम से लोगों तक ये अपील करना चाहें कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अयोध्या ना जा सकते हो लेकिन अपने घरों में अयोध्या जैसे उस राममय माहौल को इंजॉय कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, तो किस तरीके से आप भजन के माध्यम से दर्शकों को पहुँचाएंगे ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। इस गाने की एक लाइन जो बहुत प्यारी है, धर्म सनातन के भगवान श्री रघुवीर का अवसर है, हर घर भगवान अब सजेगा फिर खाली दरबार, हम हिंदुओं के प्राण आए, आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। देखिए, मोदी जी ने अपना पूरा जीवन भारत देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अर्पण किया है, और हम सबको पता है कि हमारे पूर्वजों का सपना था भगवान का भव्य मंदिर बने। बिल्कुल। उनका बहुत संघर्ष रहा 500 वर्ष का, और ये सपना अब संपूर्ण साकार होने जा रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है कि उनके जरिए यह मंदिर का निर्माण हो पाया है, तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम लल्ला के चरणों में कि जिन्होंने आपको अपनी गद्दी सौंपी है, तो भगवान श्री राम आप भी मोदी जी को स्वस्थ रखें, और भारत की इस गद्दी को तीसरी बार मोदी जी के हाथों सौंपे, ताकि दिन प्रतिदिन भारत का जो विकास हो रहा है वो यूं ही आगे बढ़ता रहे। अच्छा गीता बेन जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने भजन शेयर करें, अपनी कविताएं या फिर कोई मंत्र है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री खुद उन्हें उनकी तारीफ भी करते हैं, उनको अपने सोशल मीडिया या फिर ट्विटर प्लेटफॉर्म से खुद व्यक्तिगत तौर पर वो शेयर भी कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देख रही है? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज की तारीख में बन चुका है जहाँ पर युवा ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और ऐसे में युवाओं को कनेक्ट करना या फिर हर वर्ग के लोगों को कनेक्ट करना ये काफी महत्वपूर्ण पहलू एक सोशल मीडिया का हो जाता है, तो क्या सोशल मीडिया की आप भूमिका समझ रही हैं कि प्रधानमंत्री जब खुद ही अपील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर बात हम किसी तक पहुंचा सके। और राम लला जी का जो महोत्सव होने जा रहा है अयोध्या में, तो सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, मोदी जी आप सबको यही अपील करते हैं कि मेरा अकेले का प्रसंग नहीं है, पूरे सनातन का प्रसंग है, हमारे भगवान का अवसर है, तो आप सभी इसमें जुड़े, क्योंकि मोदी जी का सपना था कि मंदिर बन जाए, मेरे सारे सनातनी इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठा सके, रामलला का दर्शन कर सके। तो मोदी जी यही सबको विनती करते हैं कि आप सब भगवान राम जी के अपने संस्कृति के गाने बनाए और सबको इस धर्म के तार से जोड़े। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा
अच्छा प्लेटफॉर्म है गीताबेद, कि हर क्योंकि एक यहाँ किलोमीटर पर तक एक पहुंचा जाए। 500 साल करीब हमने इंतजार किया, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इंतजार किया, और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और वो संघर्ष अब खत्म होने वाला है। इस संघर्ष को लेकर, इस इंतजार को लेकर अगर आप अपनी दो लाइन शब्दों के माध्यम से पिरोना चाहे तो किस तरीके से आप बताएंगी, किस तरीके से कन्वे करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी हमारे लिए तो गौरव की बात यही है कि इससे बड़ा कोई इतिहास नहीं होता हो सकता, और हम बिल्कुल बहुत भाग्यशाली हैं कि इस इतिहास के हम हिस्सा हिस्सा कर रखे, एक जी, हिस्सा बनने जा रहे हैं। भगवा ओढ़े राम चले, सीता मैया साथ चले, लक्ष्मण जी को भायो भगवो, अवध सबको प्यारो है। हो गया नगर अब फिर से न्याल, जगत के राजा घर आए। हो गया नगर अब फिर से न्याल, जगत के राजा घर आए। बिल्कुल बहुत खूब। और जिस तरीके से आप एक के बाद एक भजन गा रही हैं तो मन कर रहा है कि बस आपको सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। लेकिन 500 साल का लंबा संघर्ष, और हमने इंतजार भी खूब किया, वो संघर्ष कहीं ना कहीं अब सफलता के तौर पर हम देख रहे हैं। सरकारें लगातार इस प्रयास में जुटी रही कि राम मंदिर को बनाया जाए, लोगों को समर्पित किया जाए, और प्रधानमंत्री या फिर अब जो मौजूदा सरकार है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम लोगों के साथ उसे जोड़ें, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक देशवासी, हर एक भारतवासी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो इस संदर्भ में अगर आप भजन के माध्यम से कुछ गा पाए, कुछ सुना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। बिल्कुल हमारे पूर्वजों का जो सपना था, मैंने बताया अभी कि हम बहुत भाग्यशाली है कि बिल्कुल ऐतिहासिक पर्व के हम भागीदार हैं। तो रामलला जी के तो हम क्या बखान करें, एक ऐसा बेटा, ऐसा पति, बिल्कुल ऐसा राजा, ऐसा भगवान। तो रामलला जी के तो बहुत भजन है, तो मैं एक दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी। जी। मंगल भवान अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथि अजर बिहारी, राम सियाराम सियाराम जय जय राम, राम सियाराम सियाराम जय जय राम। अच्छा, आप क्योंकि गुजरात में आपके जो गाने हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं, जो भजन है वो बहुत पसंद किए जाते हैं, कुछ दो चार लाइनें गुजराती भाषा में भी हो जाए, हालांकि जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे वो समझ भी पाएंगे, लेकिन उनका जो रोमांच है, उनकी जो दिलचस्पी है, वो एक अलग तरीके से हो जाती है। जी, राम जी के वचन तो गुजराती भाषा में बहुत प्यारे हैं, पर आप जितने भी मेरे, आप सबके माध्यम से जो ऑडियंस जुड़ी वो सब हिंदी में समझेगी, फिर भी मैं गुजरात से एक तो भजन आप गाऊंगी। उसे बाद में कन्वे भी कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताड़ी पाड़ो तुम्हारा राम नीरे बिजी, ताड़ी ना हो ये जो भक्ति करे, तो सीता राम नीरे बिजी भक्ति ना हो ये जो, ये सेवा सेवा मघणो फेर छेरे, सेवा कोने के वाय जो, सेवा मा हनुमान ने राम मड़ा रे, सेवा आने के वाय जो। इसका मीनिंग है कि ताली बजाओ तो श्री राम की और किसकी ताली ना हो, भक्ति करो तो श्री राम की और किसी की भक्ति ना हो, सेवा करनी है तो हनुमान जैसी करो कि जिस सेवा में उनको राम मिले। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक ये भी जानना, क्योंकि हमें जो सुन रहे होंगे, जो इस वक्त देख रहे होंगे, वो ये चाहेंगे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कब आपके मन में विचार आया कि हाँ मैं अच्छा गा सकती हूँ, या भजन की उस श्रेणी में मैं जा सकती हूँ जहाँ पर मैं अपने भजनों के माध्यम से अपनी जो बातें या फिर अपने जो विचार है वो लोगों तक साझा कर सकती हूँ। और खासतौर पर जब हम भजन की बात करते हैं तो भगवान श्री राम हो या फिर अन्य कोई देवी देवता हो, वो बहुत सरल भाषा में और बहुत ही मधुर अंदाज में आप दर्शकों तक वो साझा कर सकती हैं। देखिए, मैं स्कूल में थी तब गाती थी, पता नहीं कैसा गाती थी। जब गुजरात के सीएम थे मोदी जी, हमारे कच्छ के रणोत्सव में बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं और हर जगह से लोग वहां पे घूमने आते हैं, तो हमारे स्कूल में से एक पिकनिक के लिए बस गई थी जी जिसमें मैं भी थी शामिल, बच्चों में, तब मैंने गाना गाया था।
और तब मोदी जी ने सुना था, मुझे 250 रुपये दिए थे, हमारे जितने भी टीचर थे उनको भी उन्होंने बोला है कि ये बच्ची बहुत प्यारा गाती है। जी फिर मेरे मम्मी पापा को भी पता चला कि हमारी बेटी गा रही है, तो फिर मुझे हर जगह प्रोग्राम थे तो मुझे जी वो गाने के लिए वहां लेके जाते थे। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि नहीं, मुझे कलाकार तो बनना है पर मुझे सिर्फ भगवान के ही गाने गाने, क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद सुकून मिलता है। ताकि जैसे कलाकार है तो किसी और की फरमाइश के लिए गाता है तो उनको लगता है कि नहीं वो किसी और के लिए गा रहा है, मगर हम जब दिल से गाते तो अलग ही बात होती है। तो फिर मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहे। फिर मैंने गुजराती कल्चर के बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए, इसमें से एक गाना बिल्कुल बहुत हिट रहा गुजरात का, इसके लिए मुझे दिल्ली मोदी जी ने बुलाया था, क्योंकि मैं जिस कल्चर से आती हूँ, जिस कम्युनिटी से आती हूँ, और उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा हिट मैंने गाना दिया, गुजराती गाना था। तो बहुत सारे आशीर्वाद रहे। फिर तो मुझे ऐसे प्रेरणा मिलती कि जैसे आज भी मुझे प्रेरणा मिल रही है। तो प्रधानमंत्री जब आपकी तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा जो प्रोत्साहन है वो प्रबल होता हुआ नजर आता है। इसी कड़ी में कुछ और जो आपके मन में फिलहाल कोई भजन चल रहा हो भगवान श्री राम, क्योंकि देखिए जश्न का माहौल है और ऐसे में अगर हम भजन कितने भी सुन ले उतने कम लगेंगे अभी फिलहाल, तो कुछ और लाइनें हो जाए। हम याद करेंगे तो उतने सब उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को भी हम याद करेंगे साथ बिल्कुल में, तो बालाजी महाराज को याद करते हैं। वीर हनुमाना अति बड़वाना, वीर हनुमाना अति बड़वाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। थैंक यू, जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीता बेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी मधुर आवाज़ में अपने इन भजनों के माध्यम से, चूंकि हम जितना आपको सुने उतना ही कम लग रहा था लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वाइंड अप करना है, रैप अप करना है। बहुत शुक्रिया गीता बेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।